हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आई एम वेरी सॉरी, दो दिन वीडियो नहीं गया, बट मोस्ट ऑफ यू नो कि मेरा तबीयत खराब था, वायरल हो गया था। बट थैंक यू ऑल फॉर सेंडिंग मी ऑल द विशेस, एंड कल आप सब ने मुझे इतना सारा विश दिया कि आज मैं ठीक हो गई हूँ। लाइक आई एम लिटिल बिट फाइन नाउ। दो दिन मेरा हालत बहुत ज़्यादा खराब था, एंड ट्रस्ट मी ना, अगर कहीं पे भी आप बाहर रहे ना, वेर यू डोंट हैव एनी हेल्पर ना, अगर एंड आप मोस्ट ऑफ यू नो जो मुझे हर वक्त देखते हैं कि आई ओनली डू एवरीथिंग इन द हाउस, एंड तो एंड आप बोल सकते हैं इस हाउस की लाइक हाउसकीपर मैं ही हूँ। तो अगर मेरा तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो सब बहुत ख़राब हालत हो जाता है घर का। तो दो दिन तक, तो पहला बुधवार को तो मैंने कुछ भी नहीं पकाया, टोटली डिपेंडेंट ऑन पैक्ड फूड। क्या कर सकते हैं, वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि हम लोग का हर वक्त आदत होता है राइट, घर में खाना बनाने का। एंड पैक्ड फूड वो लोग जितना भी लिखे, जितना भी अच्छा हो, पर पैक्ड फूड तो पैक्ड फूड ही होता है। तो एनी हाउ आई एम फाइन नाउ। अभी चलिए किचन की तरफ एंड लेट्स कुक समथिंग। लाइक अभी भी थोड़ा गले में थोड़ा, लाइक मेरा वॉइस भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, पर देन ऑल्सो आई एम बेटर, मैं अभी अच्छी हूँ। एंड यस्टरडे मुझे बहुत, आई वॉज सो अपसेट, आई एम श्योर मैं नहीं, सभी लोग, हम लोग बहुत ही अपसेट है बिकॉज इंडिया मैच हार गया, एंड सब लोग लाइक एवरीबडी वॉज सो मच, हम लोग को लग ही रहा था, मुझे तो लग रहा था वर्ल्ड कप इस बार इंडिया ही जीतेगा। एंड कल लाइक कॉन्स्टेंटली आई वॉज सीइंग, पर इट्स टोटली बैड लक यार। अगर लाइक जिस दिन गेम था उसी दिन हो जाता तो श्योरली इंडिया जीत जाता, क्योंकि दिस रन वॉज नथिंग, एंड वो लोग ने कितना कितना ज़्यादा रन किया है, बट टोटल बैड लक, मैं तो वो ही बोलूँगी और कुछ नहीं, पूरा ही बैड लक था। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो टू द किचन। तो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock, एंड राय लोग आज एडवेंचर को लाइक एक एम्यूजमेंट पार्क पे जा रहे हैं, एंड मेनी ऑफ यू वेर लाइक मुझे पूछ रहे थे कि समर कैंप में क्या क्या कराते हैं। वेल वो लोग बहुत कुछ करते हैं, लाइक वीक में 2 days दे गो टू सम एम्यूजमेंट पार्क, नहीं तो वाटर पार्क जाते हैं, एंड बाकी का दिन लाइक एक दिन पूरा वो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। फिर हम लोगों का विलेज का जो पूल है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइक वो लोग 2 days वो लोग वहाँ पे ही जाते हैं इवनिंग के, लाइक नॉट इवनिंग सॉरी आफ्टरनून टाइम में वो लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर ऐसा फ्री स्विम होता है, फिर दे डू लॉट ऑफ क्राफ्ट करते हैं। सो ओवरऑल इट इज़ वेरी गुड फॉर द किड्स, एंड यहाँ पे तो मेनी ऑफ यू नो कि बहुत सारे बच्चे स्लीप अवे कैंप में भी जाते हैं, वेयर द किड्स विल बी गोइंग एंड स्टेइंग फॉर 1 month, नहीं तो फॉर 3 weeks, पर ट्रस्ट में मुझे बहुत ही डर लगता है। एंड हम लोग हर वक्त लाइक माई हबी ऑलवेज सेज कि वी हैव 1 kid ओनली, एंड दिस समर इज द टाइम यू नो व्हेन ही ऑल्सो टेक्स लिटिल बिट, कभी वैसा छुट्टी ले लेते हैं एंड फिर हम लोग तीनों मिलकर कहीं पर घूमने जाते हैं। ही इज़ लाइक अगर समर में ही बच्चा 1 month ही नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। मे बी दिस इज आवर मेंटेलिटी, लाइक मुझे पसंद नहीं है कि मुझे लगता है कि जो भी करो यू नो शाम को तुम घर आ जाओ, स्पेशली ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम। एंड तो इसलिए कभी भी मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द किड्स दे गो टू स्लीप अवे कैंप ओनली, एंड बाकी के बच्चे वो हम लोग के ये टाउन के लाइक विलेज के क्या बोलूँ या विलेज के कैंप पे जाते हैं। सॉरी तो अभी मैं थोड़ा कोकोनट वाटर पीऊँगी, एंड ये बहुत ही अच्छा कोकोनट वाटर है, दिस इज़ फ्रॉम हार्मलेस हार्वेस्ट, एंड सॉरी मेरा गला लाइक माई वॉइस इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये दिस कोकोनट वाटर इज लाइक नारियल होने से पहले, लाइक वो अंदर में मलाई जमने से पहले भी तो नारियल में पानी रहता है राइट, बंगाली में हम लोग डाब बोलते हैं, जब लाइक थोड़ा थोड़ा मलाई फॉर्म होता है एंड द वाटर इज देयर इनसाइड, सो इट्स लाइक वो तब का लाइक दैट स्टेज का पानी है जिसको हम लोग डाब का पानी बोलते हैं। या ऐसा भी जब भी आप ऐसा नारियल का पानी पीते हैं तो वो उसी फॉर्म में रहता है। तो आई होप सो मैंने आप सबको समझा दिया है। सो आज सुबह मेरे हबी ग्रोसरी स्टोर गए थे क्योंकि यू नो बहुत सारा सामान घर में नहीं था, एंड लाइक होल क्या बोलो होल नहीं सॉरी ऑल पर्पज फ्लोर इज वन थिंग जो मैं हर वक्त लाइक यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर से ही खरीदती हूँ, क्योंकि इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में मुझे लगता है अच्छा नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अभी मैं लग जाऊंगी खाना पकाने के मिशन में।
एक ऐसा ही एक चिकन कशा बोलते हैं, कौशा बोलते हैं, जो लाइक ऐसा सेमी ड्राई टाइप चिकन होता है, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा ज्यादा तीखा दे के बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करके रख दिया है विथ सम रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। एंड फिर मैं एक श्रिम्प की सब्जी बनाऊंगी आलू के साथ, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने श्रिम्प भी ना मैंने लाइक बहुत ही छोटा छोटा करके पीसेस कर लिया है श्रिम्प का, क्योंकि वो बड़ा पीस होगा तो अच्छा नहीं लगेगा वो सब्जी के लिए। और ये एक बहुत ही ड्राई सब्जी होता है, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आई एम मेकिंग इट आफ्टर सो मेनी डेज। एंड फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं सूप बना लूंगी लाइक राय के लिए, हम सब के लिए मैं सूप बनाऊंगी। एंड या आई गॉट द चवनप्राश। तो ये चवनप्राश इस एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। अभी सिर्फ कितना ही रोज हुआ है, आई थिंक सो राय इज हैविंग फ्रॉम 5 days। तो ये है लोटस ब्लूमिंग हर्ब्स का चवनप्राश। आई शो यू ऑल नाइसली, ये है चवनप्राश। एंड ये वो लोग तो बोल रहे हैं एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक। एंड एक्चुअली बहुत दिन हो गया ना मैंने चवनप्राश नहीं खाया है, तो मैं उसका टेस्ट भूल गई। बट द गुड थिंग इज कि राय को बहुत पसंद आया है, तो मैंने बोला चलो अच्छा है। एंड दिस वन हाउ मच दे टुक, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, आई थिंक सो इट वॉज अराउंड $28। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि राय को चवनप्राश खिलाओ, राय को चवनप्राश खिलाओ, तो मुझे लगा नो आई शुड गेट इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो रही थी। तो देखते हैं खा के कैसा होता है, बट ज़्यादा मीठा नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड वो लोग बोल रहे सब कुछ ही एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। तो इंडिया में इफ एनी वन ऑफ यू हैव ट्राइड दिस चवनप्राश मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना। एंड वो श्रिम्प करी लाइक श्रिम्प की सब्जी बनाने के लिए ना द आलू को आपको लाइक बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, एंड उसी से टेस्ट आता है। एंड जब भी ऐसा हम लोग स्पेशली बंगालीज लोग, मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि फिश बोलते हैं ना, अगर फिश बहुत ही फ्रेश हो ना, सो नो नीड टू ऐड टू मच ऑफ मसालास। तो कोई भी हम लोगों का फिश का सब्जी होता है, मैं बहुत ही कम फिश के सब्जी में ज़्यादा मसालेज ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे जो फिश का एक जो स्मेल रहता है, वो जो टेस्ट रहता है ना, वो चला जाता है। तो फाइनली मेरा चॉपिंग एंड कटिंग इज डन। एंड ये तो मैं डेली करती हूँ, तो मुझे कुछ लाइक इट्स यूज टू हो जाते, पर आज मुझे इतना ज्यादा टायरिंग लगा ना। देन ऑल्सो इट इज गुड यू ना, अगर मैं अभी बिस्तर पे पड़ी रहूंगी ना, मुझे लगता है आपको और ज्यादा लाइक यू विल फील मोर सिक। इससे अच्छा है थोड़ा ऐसा घर का काम वाम करें, तो फिर भी बोलते हैं ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एंड स्पेशली इफ यू विल हैव सम पेन, अगर आप देखेंगे ना कि आप बिस्तर पे, तो आपको लगेगा और ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप ऐसा ही थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा ऐसा घर का कुछ काम, एनीथिंग, रीड ए बुक और डाइवर्ट योर माइंड, तब देखेंगे इतना ज्यादा नहीं लगता है। तो कल मैंने बहुत सारा मूवी देखा, जब भी ऐसा बीमारी होता है टेक द चांस, मैं मूवी देख लेती हूँ। तो श्रिम्प की सब्जी बनाने के लिए पहले मैंने ऑयल को, मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज किया है, थोड़ा गर्म कर लिया है। एंड अभी मैं इसको श्रिम्प को थोड़ा शैलो फ्राई करूंगी, हम लोग को ज्यादा लाइक ज्यादा फ्राई नहीं करना है, मे बी जस्ट फॉर 2 मिनट्स एंड बस हो जाएगा। फिर हम लोग जो बाकी की सब्जी है सेम ऑयल में ही बनाएंगे। एंड जब भी आप श्रिम्प की ऐसा कुछ सब्जी बनाए ना, जिसमें आप श्रिम्प लाइक श्रिम्प पहले से ही फ्राई कर रहे हैं, तो बहुत ही कम श्रिम्प फ्राई कीजिएगा। सो इन द सेम ऑयल मैंने इसमें थोड़ा रेड चिली, ड्राई रेड चिली एंड 1/2 teaspoon ऑफ क्यूमिन सीड्स एंड फिर अराउंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर पेस्ट ऐड किया है एंड सम ग्रीन चिलीज। तभी मैं इसमें आलू को ऐड कर दूंगी। एंड आलू को मैंने अच्छी तरीके से पानी में भिगो के फिर मैंने लाइक इसको स्ट्रेन कर लिया था, इससे जो स्टार्च रहता है वो आलू का चला जाता है। फिर थोड़ा सॉल्ट टू टेस्ट, हम लोग इसको कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा टर्मरिक पाउडर एंड अराउंड 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, तो इसमें लाइक जीरा का जो स्मेल है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये मेरे पास 1/2 teaspoon है, तो मैंने 2 बार लिया यानी 1 teaspoon ऑफ क्यूमिन पाउडर। एंड अगर आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ।
फिर मैंने बहुत ही कम पानी ऐड किया है ताकि यू नो जो आलू है वो थोड़ा बॉयल हो जाए. सो आलू इज ऑलमोस्ट बॉयल. तो अभी मैं इसमें श्रिम्प ऐड कर दूंगी क्योंकि श्रिम्प हम लोगों ने पहले से पकाया हुआ है. एंड श्रिम्प को अभी आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है. फिर इसमें मैं थोड़ा ग्रीन चिलीज एंड थोड़ा कोरिएंडर लीव्स दे रही हूँ. एंड अभी मैं गैस बंद करके इसको कवर करके रख दूंगी फॉर अराउंड, इसको स्टैंडिंग टाइम देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स. तो श्रिम्प देने के बाद इमिडिएटली टर्न ऑफ द गैस. एंड यहाँ पे मैं चिकन की चिकन करी बना रही हूँ. उसके लिए पहले मैंने सभी जो पेस्ट था जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमेटो पेस्ट एंड अनियन पेस्ट अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है. एंड देन आई हैव एडेड द चिकन. एंड अभी मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ. फिर अभी आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है. मैं जैसे बोल रही थी सेमी ड्राई में बनाऊंगी, पर हम लोगों के घर में सभी को इंक्लूडिंग मुझे भी थोड़ा ग्रेवी चाहिए ही चाहिए. तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ एंड इसको कवर करके रख देंगे जब तक ना चिकन बॉयल हो जाए. तो फाइनली चिकन करी इज रेडी. तो चिकन अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है. एंड एट द एंड मैं इसमें फिर थोड़ा कोरिएंडर लीव्स दे दूंगी. एंड ये श्रिम्प की सब्जी खाने में बहुत अच्छा लगता है. आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं. जैसे कि मैं बोल रही थी इसमें जीरा का जो स्मेल है वो सबसे ज्यादा फ्लेवर बहुत ही ज्यादा रहता है. तो फाइनली मेरा खाना बनाना ख़त्म. एंड अभी किचन मुझे थोड़ा साफ़ करना है, वो मैं थोड़ा ही साफ़ करूँगी. बर्तन तो मेरे हबी आके ही दे रहे हैं फ्रॉम 2 डेज. एंड अभी तक ये ब्राउनी मेरा बनाना हुआ ही नहीं, बट दिस ब्राउनी मिक्सचर इज़ रियली नाइस. इनफैक्ट ये कंपनी का अगर मैं नाम बोलूँगी तो आई एम गारंटी मैं गलत ही प्रोनाउंस करूँगी. ये कंपनी का जो चॉकलेट है ना, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग. मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ऑलवेज आई टेक चॉकलेट फ्रॉम दिस कंपनी. राइस भी बना लिया है. अभी मुझे रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है क्योंकि राइस बहुत ही ईजीली हो जाता है. तो अभी मैं नहा लूंगी. एंड बहुत ये सब कपड़ा वपड़ा फोल्ड करना ऑल माई हबी वॉज ओनली डूइंग. कुछ थोड़ा ही बाकी था तो मुझे लगा चलो मैं कर देती हूँ. क्या करें, यू नो व्हेन यू लीव अलोन, व्हेन यू डोंट हैव एनी हेल्प, आपको योर पार्टनर ऑल्सो दोनों को मिलके ही काम करना चाहिए. एंड हाँ, अकेले अकेले तो यू हैव टू वर्क, देयर इज नो अदर चॉइस. पर मुझे लगता है जब व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल तो ज़्यादा स्ट्रेस हम लोगों को नहीं देना चाहिए बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज़ वेल्थ. अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो दिस ऑल थिंग्स आप बाद में भी कर सकते हैं. तो मुझे लगा कि चलो मैं जब थोड़ा थोड़ा करके काम कर ही रही हूँ, मैं ये रनर भी नया रनर में लगा देती हूँ क्योंकि 1 वीक के बाद आई कीप ऑन चेंजिंग एवरीथिंग. एंड अभी मैं चली जाऊंगी किचन के काम में. तो किचन थोड़ा मेसी हुआ है. अभी 2 दिन से हम लोगों ने ज़्यादा कुछ खाना बनाया ही नहीं. तो अगर आप ज़्यादा खाना ना बनाए ना तो बहुत सारा बर्तन भी कम होते हैं, रिजल्ट किचन भी इतना ज़्यादा मेसी नहीं होता है. तो अभी टाइम हो रहा है 2:20 एंड जितना बन सके मैंने थोड़ा थोड़ा ही घर का काम किया है. तो अभी मैं राय को लाने जा रही हूँ. ऐसा तो राय लोग दे कम है 2:45, 2:50, पर क्या होता है ना बहुत ज़्यादा लाइन हो जाता है क्योंकि एक एक कार जाता है एंड दे लीव द किड्स. तो इसीलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ ताकि हम लोग का टेंडेंसी रहता है राइट, जब भी ऐसा कुछ लाइन हो लाइन के आगे जाके खड़ा होना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आगे चली जाऊँ, बट अब जब भी जाए इट्स द सेम थिंग है ना. बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लेट्स गो.
एंड मेरा कार इतना ज्यादा गंदा है कि मैं क्या बताऊं. Like, सबसे ज्यादा मुझे लगता है गंदा कुछ चीज है दैट इज माय कार. है मैं अपने अभी को कभी भी अपने कार में बैठने नहीं देती हूँ क्योंकि वो लाइक ऐसा उठेंगे ना फर्स्ट थिंग इज लाइक तुम इतना गंदा क्यों रखती हो अपना कार. मुझे एक दिन साफ करना पड़ेगा. रियली वन डे आई शुड टेक आउट जस्ट टू क्लीन माई कार. तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एंड राय भी आ गई है वहाँ पे. एंड इट सीम्स वो लोग ने बहुत मस्ती किया. दे डिड ऑल द राइड्स. जनरली हम लोग ये थोड़ा मुझे लगता है या इट्स टू या भी ठीक है. जनरली हम लोग जाते हैं तो मुझे तो बहुत सारे राइड्स में बहुत डर लगता है. आई एम नॉट एबल टू डू. एंड मेरे हबी तो मुझसे भी ज़्यादा वो और ज़्यादा डरते हैं. तो आज इट्स गुड यू नो दे वेंट दे डिड ऑल द राइड्स एंड ऑल. एंड अभी उसको कुछ भी नहीं खाना है तो मे बी आई विल गिव राय वन मैंगो. आई गॉट वन मैंगो तो ये देखने में अच्छा ही लग रहा है एंड द स्मेल इज ऑल्सो गुड. तो मैं राय को मैंगो दूंगी एंड आई विल हैव राइस विथ चिकन. मैंने बहुत कोशिश किया कि वो तीखा होगा बट आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द रेड चिली. ना पानी के लिए इतना ज़्यादा कभी भी तीखा नहीं होता है. मैं जितना भी ज़्यादा चिली दूँ ना बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा तीखा होता है. तो इतना ज़्यादा तीखा नहीं हुआ बट एक तरफ से अच्छा ही है. ज़्यादा तीखा होता तो फिर राय नहीं खा सकती. मैंगो बहुत अच्छा है. आई थिंक सो ये मैंगो दिस इज मैक्सिको का मैंगो है. तो राय को सिर्फ मैंगो खाना है. टाइम हो रहा है अराउंड 3:30 एंड राय नहाने चली गई है एंड अभी मैं जाऊंगी ऊपर टू डू लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग एंड हम लोग ऐसा थोड़ा टीवी भी देखेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो. एंड मुझे लगता है यू नो इवन इफ कोई दिन यू आर नॉट फीलिंग वेल देन ऑल्सो यू नो इतना ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए कि आपका तबीयत खराब है. इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग को थोड़ा अपना मन ऐसा डाइवर्ट करना चाहिए तो अच्छा लगता है. लाइक मुझे जैसा थोड़ा थोड़ा टायरिंग लग रहा है बट देन ऑल्सो आई एम फीलिंग बेटर. एंड विथ दिस आई विल एंड टू दिस ब्लॉग एंड आई विल मीट ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीक. मुझे पता है इस वीक मैंने बहुत कम वीडियो दिया था. इनफैक्ट आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग सम अदर डिफरेंट वीडियो बट चलो कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगी. बट नेक्स्ट वीक का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड आई होप सो आप सबको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो. नहीं नेक्स्ट वीक का जो मैं वीडियो बनाऊंगी. सो अंटिल देन हैव ए ग्रेट वीकेंड. मस्ती कीजिए. हैव फन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड या बाय बाय. एंड या इस वीडियो को लाइक एंड जो लोग पहली बार देख रहे सब्सक्राइब जरूर करना. बाय बाय. हैव ए ग्रेट.